फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आज से नवरात्रा स्टार्ट हो चुका है, तो जयकारा सेरा वाली मैया की जय, साचे दरबार की जय। हमारा ये व्लॉग 2 दिन लेट जाएगा क्योंकि हमारा पीछे का भी वीडियो कुछ है जो कि आप लोग दिखाना है क्लिप। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, आज मैं शाम से ही व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। तो अभी हमारे पतिदेव, जैसे आपको पता ही है, नहीं है तो इतना अकेले, सब बच्चे लोग का स्कूल भी मॉर्निंग चल रहा है। अभी तो 2 दिन से राहत हुआ है, जो दोनों सेम टाइम में छुट्टी हो रहा, नहीं तो पहले सानवी का 10:30, मानवी का 11:30, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मानवी का भी अभी 10:30 हो चुका है। तो सही है, एक 7 में जाती है, 8 में जाती है, लेकिन दोनों 8:30 में आ जाती है। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा सर पेन हो रहा था, तो अभी मानवी से बोली हूँ बेटा दवा लेके आओ, तो मैं थोड़ा सा दवा खा लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ कुछ, क्योंकि आप लोग को पता है जो मैं 2 दिन बाद जाने वाली हूँ अपने गांव, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे तो पहले काफ़ी ज़्यादा टेंशन था जो कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि पतिदेव है नहीं, अकेले कभी रात का सफ़र मैं की नहीं हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी टेंशन मैं थी, बट हिम्मत लगा रही थी जो हाँ चली जाऊँगी। लेकिन माता रानी का चमत्कार है और हमारे पतिदेव आ जाएंगे, हमारे जाने तक वो आ जाएंगे, तो छोड़ देंगे हमें, तो इसलिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ। तो चलो, इसी खुशी के लिए मैं अभी जा रही हूँ, सामान की पैकिंग कर लेती हूँ सबसे पहले। अभी है 2 दिन टाइम, लेकिन मैं पैकिंग वगैरह करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ बच्चे को स्कूल छोड़ना, धूप में लाना, उठाना, जगाना, सब अकेले करना पड़ रहा, अभी तो काफ़ी परेशान रहती हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं मानवी, तो बेटा सर दर्द का दवा ला दो, खा लेते हैं, बहुत सर में पेन हो रहा है। तो चलिए घर में चलते हैं, दवा खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम पैकिंग करने। अभी मार्केट भी मुझे जाना है क्योंकि मोबाइल में टेम्पर ग्लास लगवाना है मुझे, कल दे गया था बट लगा नहीं है अभी। तो चलिए चलते हैं एक एक करके, देख सकते हैं इतना तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द होने लगा है, जो भी मेडिसिन खाना पड़ा है। मानवी दे गई यहाँ पे पानी, दवा बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तो चलो खा लेते पहले दवा। गाइस, मैं मेडिसिन खा ली हूँ, थोड़ी सी रिलैक्स हो गया है, अब शाम का टाइम हो गया, पहले दीप जला लेती हूँ माता जी का, आरती वगैरह कर लेती हूँ। जे हे करामा लिख लो ओहने कपार हे, जे हने करामा लिख लो ओहने कपार हे, हमरा जीवन में मैया, हमरा जीवन में मैया, अन्हारे अन्हार हे, हमरा जीवन में मैया, अन्हारे अन्हार हे, जेहने कर्म लिखला। तो ये गाना मैं पूरा अपने मानवी सानवी ब्लॉग पे डाली हूँ, आप लोग जरूर जाके सुनिएगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। तो चलिए मैं अगरबत्ती वगैरह जला देती हूँ, संध्या आरती कर देती हूँ। जगदम्बा घर में दियारा बारैली है, महारानी घर में दियारा बारैली है, सोने के थाली का पूरे की बाती, मैया जी के आरती उतारैली है, महारानी घर में सानवी को भी गाना गाने आता है, सानवी गाओ तो। चुम चुम छननन बाजे मैया पांव पे जुनिया। तो चलो आरती कर लेती हूँ। इसमें से तुमको कौन से भगवान अच्छे लग रहे हैं? तो गाइस, इधर हम पैकिंग के लिए बैठे हैं, उधर मानवी अपना पैकिंग कर रही है, मानवी अपना अलग एक बैग लेके जाएगी, ये वाला एल्सा, एल्सा जो उसको की मामू जी उसको दिए थे गिफ्ट में। हाँ, आपकी मामू जी हैं। मामू जी को बोला एक दिन इनको छोटे के बोल रहे हैं, तो मामू जी के छोटे हैं ना। तो फटाफट कर लेते हैं पैकिंग, पहले साड़ी चूज कर लेंगे, ज्यादा लेके नहीं जाना, मुझे कपड़ा ले जाना, ज्यादा कपड़ा लेके नहीं जाएंगे क्योंकि बस एक बैग मुझे लेके जाना है। मम्मी को भी ले जाएंगे वो, अंकल पढ़ेंगे भी ना। हां, तो पढ़ पाओगे आप? पढ़ पाओगे? जय सीताराम, सीताराम, सीता
बड़े रहते फटाफट चूज कर रहे हैं कि मैं क्या लेके जाऊंगी। और इस ट्रॉली बैग को, एक ट्रॉली बैग से सामान रखा है तो इसमें मैं अपना सिर्फ भर के रखी हूँ, तो उसको ले जाना है तो उसको खाली करूंगी अभी। इसमें से जो भी होगा इसको निकाल के बाहर रखेंगे और इसी में सारा पैकिंग करके लेके जाएंगे। बैग थोड़ा बहुत बस ये छोटा वाला पैक की हूँ, ज़्यादा कुछ ले जाना नहीं है। मैं साड़ी वगैरह रखी हुई खाली है तो इसमें और शाल भी का डलेगा और पतिदेव का देखते एक और कंधा बैग मुझे करना पड़ेगा। और बाकी चलती हूँ, अब मार्केट नहीं जाने का इच्छा हो, देख रहे हैं घर में किचन में सामान कितना है, फिर खाना वगैरह बनाती हूँ। छत में कोई बात करूँगी, चेक करूँ तो मैं हमको लगा कोई है, कोई है। अरे लाइट हमारा नहीं जरा खराब हो गया क्या, मार्केट जाना तो भी नहीं गए। लेकिन किचन में आ गए हैं, आज मैं खाने में बना रही हूँ मटर की छोले। क्या इतना दिनों से ही फुला के मैं रखी थी लेकिन अकूल गया है, तो इसको फटाफट बना लेती हूँ। तो चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, डायरेक्ट कुकर में ही बना लेती हूँ। देख लो क्या फ्राई हो रहा है, फटाफट बना लेती हूँ, भूख लग गई है। तो भी मैं जल्दी जल्दी कुकर में ही सोची थी बना लूँ, क्योंकि एक बार बॉयल करो फिर उसकी मसाला फ्राई करके उसकी ग्रेवी लगाओ, उससे अच्छा है जो चलो एक ही बर्तन धोना पड़ेगा। कुकर में ही मसाला फ्राई करके इसमें डाल के सीटी लगा दूँ। खाना बनाते बनाते सानवी का होमवर्क भी चेक कर रहे हैं। ई से क्या लिखा है सानवी? ई से ईक। ईक हाँ, ये ईक में रंग भरे। कौन ऐसा रंग भरने बताया, ऐसा रंग भरने आपसे कौन बोला है? तो सानवी अपना होमवर्क देखो, हम नहीं थे तब कैसे कर दिए बेटा। ई कहीं छोड़े, ये कौन सा ई है, ये कौन सा ई है? ई कौन सा, बड़ी की छोटी? बड़ी बड़ी ई। तो चलो और बाकी सब भी चेक कर देते हैं इसका, फिर फटाफट खाना बनाएंगे लेती जल्दी से, क्योंकि मानवी को लग गया है भूख, सबको भूख लग चुका है और टाइम भी हो गया है, 9 बजने ही वाला है देख सकते हो आप लोग। तो चलो जाते हैं फटाफट कर लेते हैं। इधर मैं लिट्टी छोले के लिए सत्तू भर के रखी हूँ और फटाफट लिट्टी बनाती हूँ, एक बना दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। नेक्स्ट डे, कल रात को तो खा पी के बस सो गई, याद ही नहीं रहा, फोन वगैरह आ गया पतिदेव का, मम्मी का, तो सबसे बात करके बस याद ही नहीं रहा रिकॉर्ड करने का कुछ। तो अभी देखिए मॉर्निंग का बजने वाला है 7 और बच्चे लोग का स्कूल है इनका तो 7:15 से और उनका 8 बजे से, दोनों में से कोई उठने का नाम नहीं ले रही है। कितना परेशानी है सुबह सुबह बच्चे को जगा के स्कूल में, जाऊँ जा बेटा लेट हो जाए, आ जाइए माँ को गोदी आ जाइए, उठ जाइए ना बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सानवी, देख रहे इसको उठने का नाम नहीं ले रही है। मानवी उठो, अब कैसे हम उठाए उनको समझ में नहीं आता है। बेटा यहाँ पे उल्टा कर देता है गाइस, जो छोटे बच्चे को जल्दी और बड़े बच्चे को थोड़ा से लेट से जाना होता है। तो सानवी का पहले स्कूल है, कैसे उठाए उसको बेटा। चलो गाइस हम इसको उठाते हैं, पहले देखते हैं कैसे उठती है हमसे। अच्छा फाइनली उठ गई, कि कैसे उठी तुम? तो ये बोली है मेरे साथ शर्त रखी है, जिसको सब कुछ नया चाहिए, ये नया पेंसिल बॉक्स सब कुछ ये अभी नया लेगी हमसे। तो गई जो सुबह सुबह किचन में बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, सानवी का फरमाइश, मम्मा ब्रेड पकौड़ा लंच लेके जाऊंगी, तल गई है, अब उसका लंच पैक करके उसको छोड़ के आती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। तो छोड़ ना बिल्कुल टाइम नहीं होता, अभी सानवी को छोड़ के आऊँगी फिर मानवी को छोड़ने का टाइम हो जाएगा। सानवी थोड़ा लेट जा रही है, वो उठती ही नहीं है जल्दी, लेट कर के रही है। चलो सानवी आ जाओ, तो हमारी सानवी आज वेडनेसडे था, मेरे को याद भी नहीं था, तो मैं सानवी को दूसरा ही ड्रेस पहना दी हूँ, बाकी देखती हूँ। चलो सानवी, जब मानवी का छोड़ने का टर्न आ गया, सानवी को तो जैसे वेशभूषा में रहती वैसे जाके छोड़ाती क्योंकि बस मेरे रूम के पीछे है, और मानवी को थोड़ा उधर लेके जाना पड़ता है, और वहाँ पे पतिदेव के कंपनी के भी बहुत सारे लोग आते हैं, जान पहचान के भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बाल वाल सब ठीक ठाक करना पड़ता है थोड़ा अपना। तो चलिए मानवी को छोड़ के आते हैं फाइनली, चाबी लो स्कूटी का। तो सानवी को हम ऐसे ही भूल गए तो ड्रेस में छोड़ाया, सुबह सुबह कितना बिजी शेड्यूल है, कभी तक मैं 8 बज गया है बच्चे को छोड़ने में ही लगी पड़ी हूँ, सोच सकते हो घर का काम कब करूँगी। जी भी पूरा शॉपिंग वोपिंग करके आ गई है जाने के लिए, और हम रोज सुबह में इनके इधर आते हैं चाय पीने के लिए। भाभी जी बुलाती है आ जाओ चाय पीते हैं साथ में, यही फायदा है, इनके हस्बैंड भी ड्यूटी, हमारे हस्बैंड बरका ड्यूटी में है।
एरोप्लेन में बड़का ड्यूटी में है, हम लोग छोटका ड्यूटी में है। हम लोग का ड्यूटी का कहाँ कोई गिनती होता है, हम लोग कुछ नहीं काम है, खाली बनाती है। भाभी जी भी पूरा शॉपिंग करके आ गई है, जट्ठा पूजी सब घर जाओ तो भाई लगता है जी एक महीना का तनख्वाह तो उड़ाना ही उड़ाना, एक महीना का तनख्वाह तो ज्यादा ही उड़ जाता है। सही बोले ये बोला, देखिए